गलतियां करेंगे उस लेवल तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाए। और इसका कारण स्पष्ट है कि लगातार तो इतनी चुनौतियों को हम लोग को देखना पड़ा, कोविड भी है 2 साल और लगातार कई चुनौतियां सरकार को फेस करना पड़ा, लेकिन अभी भी लगातार हर विसंगतियों को दूर करके, और ये विसंगतियां और ये कोर्ट मैटर्स तो पूर्व की सरकारों का देन है जिसको एक एक करके हमारी सरकार सॉल्व कर रही है। जेटेड का परीक्षा हो या जेपीएससी भी ढंग से टाइम फ्रेम में कंडक्ट नहीं करवाई पूर्व की सरकार है, जो हमारी सरकार रिकॉर्ड टाइम में करवाई। देखिए हम कई मतलब पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम लोग पूरी तरह से परफेक्ट है, लेकिन वो हमसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका कभी इरादा ही नहीं था। हमारा इंटेंशन ज़रूर दिखेगा आपको हमारे काम में, हम अपने वादे पे पूरी तरह से 100% नहीं हम कह रहे कि हम पूरा 100% एकदम पूरा लोगों के सामने खड़े हैं कि हमने पूरा वादा पूरा कर दिया, लेकिन हमारा जो इरादा था, जो हमारा इंटेंशन था, वो हमेशा राज्य को आगे बढ़ाने का इरादा था जिसमें पूरी तरह से सरकार लगी हुई। अभी भी कई चीज़ें पाइपलाइन में है, अभी भी समय है, उस समय सीमा के अंदर हम लोगों को आश्वासन मिला है कई चीज़ों को पूरा करने का, तो हम लोग उनसे उम्मीद करते भी नहीं है क्योंकि उनके समय में उन लोगों ने विपरीत काम किया। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो राज्य के पक्ष में काम कर रहे हैं। अच्छा, सहायक पुलिस कर्मियों के लिए क्या सोच रही है सरकार? आज भी उन लोगों को सौगात नहीं मिली लंबे समय से। पुलिस कर्मी का तो मामला हम ही विधानसभा में उठाए थे और पहले भी उठाए, कई बार हम दो बार इस मामले को विधानसभा में रखे हैं, और क्योंकि वो बेचारे वो आ नहीं सकते, उनका डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं सकते क्योंकि प्रोटोकॉल इशू है, और वो हम लोगों को कभी भी हम लोग मिलते हैं तो अपनी बात को बताते हैं, और उनका चैलेंज है, उनकी जो मांग है वो भी जायज़ है और उनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। हम लोग तो हर स्तर पर उनकी बात रखते रहते हैं और हम होपफुल है क्योंकि इंटेंशन है सरकार का, और कई ऐसे चीज़ हैं, कई मुद्दे हैं, सहायक कर्मी का भी जो मांग है वो भी हमारा मुद्दा है। जब हम मिलते हैं तो इनकी भी बात करते हैं और हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, हम यही मतलब उम्मीद है हमको कि जल्द से जल्द उनका जो मांग है उसको सरकार पूरा करेगी। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी, प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।